नगर से लगे आदिवासी बाहुल्य ग्राम उमरई बहरा में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला आए दिन सुर्खियों में है। इसका मुख्य कारण वहां पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार चाहे कुछ भी कहे, प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है तो कहीं प्रदेश में कई स्थानों पर स्कूल भवन नहीं होने से बच्चों को पेड़ की छाया में बैठकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। सुल्तानपुर से वीके जोशी की रिपोर्ट। मेरे को सर यहाँ पर छठी क्लास में नाइन्थ क्लास में पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन ये स्कूल हमारा वो बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उसमें हम सरकार बन तो गई है लेकिन दे नहीं पा रही हमको, लेकिन इसमें हम बैठते बहुत दिक्कत आती है। हम एक ही क्लास में तीन तीन क्लास बैठती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप में हमारी नई बिल्डिंग को तैयार कर हमें दी है। ये नई बिल्डिंग बन रही है, हमको ये नई दी जा रही है, और इस खंडर स्कूल में हमें बहुत डर लगता है। आपको बहुत डर लग रहा है इस खंडर बिल्डिंग में? नई बनने के बाद भी आपको नहीं दी गई है? जी सर। छह साल हो गए जी। तो नई बिल्डिंग यहाँ पर बन गई? बन गई सर। फिर क्या मालूम क्या हो रहा है सर, दे नहीं रहे हैं बिल्डिंग, नहीं दे रहा आप लोगों को? तो आप लोग इसी खंडर में पढ़ रहे हैं जी, तो इसमें तो बहुत खतरा है ना यहाँ पढ़ने में। बारिश के टाइम पे सर छत भी चूता है, सब होता है, और बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती। अच्छा, तो आप बाहर बाहर तो क्लियर है, पूरी कंप्लीट हो गई है, तो अभी आपको जो हैंड ओवर नहीं की है इसकी? अभी नहीं की। तो आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी दी इसकी कि सर हम खंडर में पढ़ना है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है? बच्चे कई बार हम दे चुके जी, लिखित में अपने आदेश मना दे चुके कि बिल्डिंग हमारे पास है नहीं, और सर बारिश में तो इतनी स्थिति हो जाती है, बैठने की समस्या आ जाती है बच्चों। नाश्ते में पोहा कम देने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने होटल मालिक पर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में होटल मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आष्टा से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। सुबह उसकी नाश्ते की दुकान थी, कोई ग्राहक वहाँ पर नाश्ता करने आया, तो उस बात को लेकर कम पोहा ज़्यादा कम को लेकर उनका विवाद हुआ, मारपीट हुई, तो उसके सिर में लगी है, तो उसको हॉस्पिटल भेजा गया और दोनों का मुकदमा कायम करके उनको हिरासत में लिया गया। और ग्राम से लगे खेत में आवारा मवेशियों का डेरा, ग्रामीण और किसान दोनों ही आवारा मवेशियों से इतने परेशान हैं कि उन्हें दिन रात अपने खेत में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि दिन रात आवारा मवेशी खेतों में आकर उनकी पूरी फसल नष्ट कर रही है, जिससे कि कृषक परेशान है। रहट गांव से नवीन गौर की रिपोर्ट। आवारा मवेशी से दिक्कत है, गेहूं की फसल खाली ना, यहाँ की गांजी हाउस ना गौशाला का प्रावधान है। तो आपने इसकी शिकायत पंचायत में नहीं करी? पंचायत में करी, कलेक्टर पास करी, कैसी भी करी है, तो अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं, ठोस कदम नहीं उठाया कुछ। तो कांजी हाउस चालू है या बंद? बंद पड़ी सर। तो रोज कितने मवेशी चरते होंगे? कम से कम 15-20 सर। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी सर गौशाला में, और गौशाला ले नहीं रहा सर। कांजी हाउस बंद पड़ी? बंद है। की शिकायत पंचायत सचिव या सरपंच से करी? करी सर। फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। नर्मदा परिक्रमा करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हंडिया कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ। नर्मदा परिक्रमा का दौर सारे दिन चला, मुंडन व प्रसादी का दौर करीबन 200 श्रद्धालुओं ने उठाई परिक्रमा। समूचे संसार में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में माँ नर्मदा के भक्तों द्वारा चार पहिया वाहन से नर्मदा परिक्रमा करते हैं। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। देश भर हंडिया घाट प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जो है मारेगा नर्मदा की परिक्रमा, नर्मदा तट हंडिया से श्रद्धालु द्वारा माँ नर्मदा का पूजन पाठ अभिषेक करके प्रारंभ किया जाता है, एवं सैकड़ों की संख्या में बस द्वारा एवं पैदल माँ नर्मदा की परिक्रमा के नियम एवं किया जाता है।